अभी पटियाला से, ठीक है जी, मेलकोटला, बरनाला, ये भी यूके से, ठीक है जी, ये भी यूके से। हमारे पास थोड़ा टाइम लगता है, हाँ, प्रोडक्ट ऐसा बना के देंगे किसी से नहीं। 6 सबवूफर है और 32 स्पीकर है, और अभी ये है ना भाई, इसके ऊपर 70 और लगेगी। अच्छा, या कुछ भी लगे, अगर हमारा एम्प आप चार अगर हो रहा है या दे दो अकेला, अगर इस पे सोनी पे, सोनी के फाइनल पे टिक करके कोई वूफर लगाओगे 10 मिनट में हटा देगा। हमारा 7-8 लाख रुपए लगा कर हमारा प्रोडक्ट ही ऐसा बनाया हुआ है, आपको कहीं पे नहीं मिलेगा। अच्छा जी, लोगों को पता क्या है, लोगों को पैसे का शौक है, हाँ, हमें नाम का, हाँ, हम दुकानदार से फोन लगा कर पूछो भाई वाट का मतलब क्या था, हाँ, किसी को वाट का मतलब बता दे, मैं डायरेक्ट ही करूँगा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो आज हम आए भाई मोगा, ये कुक इलेक्ट्रॉनिक्स के पास। तो आज हम इनसे बात करते हैं इनके म्यूजिक सिस्टम के बारे में। तो ये देख सकते हो भाई, एक ये छोटी सी शॉप है यहाँ पे इनकी, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग वगैरह का थोड़ा बहुत काम होता है। तो ये आप को इनसे मिलवा देते हैं। तो नमस्कार जी, और जी सत श्रीकाल, और जी कैसे हो? तो एक बार आप हमारे दर्शकों को एक बार अपने म्यूजिक सिस्टम दिखा देते जी, एक बार दिखा दे। तो म्यूजिक सिस्टम हमारा 2 वूफर से शुरू हो जाता है। अच्छा जी, 2 वाला 3 वाला 4 वाला। हाँ जी, आप कल आ जाते तो हमारे पास सारे आए थे ट्रैक्टर, आप लेट हो गए। अच्छा जी, देखो आप 3 वूफर वाला, 2 वूफर वाला, ये 2 वूफर वाला है और ये 3 वूफर तैयार करते हैं। कुछ बताओ, 20 तो लेके लाख रुपए तक। अच्छा जी, 12 इंची 20,000 तो लेके लाख रुपए तक सिस्टम। अच्छा जी, जितना थोड़ा मन करता उस तरह का बना। तो थोड़ा बहुत रेट बताओगे इनके बारे में? जो नॉर्मल रेट 12 इंची आपा लाउने हैं, 2 वूफर 5 स्पीकर 22,500 रुपए दा। अच्छा जी, ठीक है जी, एदे विच मान लो कि थोड़ा मन करता है मैं 3 वूफर करवाने हैं, हां, डेक ना डेक चेंज करना ना पिटी चेंज करनी है, जदों मर्जी तीसरा वूफर पवा लो 3500 रुपए दे के। अच्छा, सिस्टम पहले 3 वूफर वाला आ जाए। अच्छा जी, ठीक है जी। तो अब ये जो ये पेटी आई हुई है, ये मतलब कैसे आई हुई है? ये सिर्फ एक वूफर बढ़वाने के लिए? नहीं, ये तो नया देना है। अच्छा, अच्छा नया ही दे रहे हैं। पहले लेके गए थे, 8 साल हो गए लगे के सिस्टम को। अच्छा जी, इन्होंने ट्रैक्टर नवा ले लिया इसलिए नई पेटी चेंज कर रहा। अच्छा, तो मतलब 8 साल में कोई भी कमी नहीं आई? नहीं, उससे पूछो। तो नमस्कार जी, तो आपने ये कब ली थी ये पेटी? मेरे को 8 साल हो गए। 8 साल, 8 साल में कोई कमी? 8 साल के बीच कोई कमी नहीं है। अच्छा, तो आपने कितने का लिया था जी 8 साल पहले? ये लेता मैं 28,500 28,000 रुपए का। 7 स्पीकर है और 3 वूफर है। तो अब तक कोई कमी? कोई कुछ, फुल गारंटी है। अच्छा जी, सही चलता है, म्यूजिक सही है। तो अभी अभी इसके खोल के देखे, ये भाई ये वूफर इसी के है ना जी? पता की प्रॉब्लम सी कि इन्होंने ना पेटी जो मैं है नहीं सीगा शॉप पे, इन्होंने देख तैयार हो गए ना, तैयार ना ज्यादा हो गया 8 साल आए नु, इन्हें पेटी थोड़ी जी फटकती सी, 8 साल हो गए लगी नु, ते वो कहंदे भी पेटी मैं है नहीं सीगा, ते इन्होंने वूफर नवे पाते सीगे, ते कहंदे ट्रैक्टर चेंज करना वा, कहंदे फिर पेटी नवी लैने, वूफर इन्हां दे सही सी, फिर इन्हां दे पैसे बच जाणगे, ओ वूफर नवा बना के ते डिक नवा दे दिंदे आ पेटी नवी लैने। अच्छा अच्छा, तो ये जो ये वूफर वगैरह है, ये देखो भाई किसान भाइयों, ये 8 साल हो गए इसको, ऐसे कैसे निकले, इसमें से कोई कमी नहीं कुछ नहीं, काम प्रॉपर काम कर रहे हैं, ये देखो ये सब, और स्पीकर तो अभी निकाले भी नहीं है, बिल्कुल न्यू है अब तक। तो 8 साल में भाई, 8 साल हो गए इस पेटी को गए हुए, 8 साल में कोई कमी नहीं आई। तो अब ये देखो, ये दिखाते है भाई एक बार कुकी इलेक्ट्रॉनिक्स की फिटिंग दिखाते है। ये देखो भाई, ये जितने भी स्पीकर है ना, मतलब कि उनको एलुमिनियम कटोरे में डाल के फिट किया जाता है ये ऐसे इस टाइप से, क्योंकि ये है ना जब इसमें बेस लगती है तो बेस है ना स्पीकर को फाड़ देता है, और उसकी सेफ्टी के लिए इसमें एलुमिनियम की कटोरी वगैरह डाल दी जाती है इनकी सेफ्टी के लिए। तो ये था भाई कुकी इलेक्ट्रॉनिक्स की फिटिंग। और एक बार ये और बता दो जी, ये जो है ये म्यूजिक सिस्टम जो है, ये कितने में है? मतलब यानी के नॉर्मल जमे 4 वूफर, ठीक है जी, 4 वूफर 9 स्पीकर ਹੁੰਦਾ 55,000 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਲੈਦਰ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਮਗਰ ਮਨਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਫੋਟੋ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਦੂਜਾ ਲਾਉਣਾ, ਘਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗ੍ਰੀਨ ਰੰਗ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਘਾ ਲਾ ਕੇ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 60-65,000 ਦਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਭਾਈ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਘਾ ਲੱਗਣਾ ਸਾਰਾ ਗ੍ਰੀਨ ਰੰਗ ਦਾ ਲਾ ਕੇ, ਮਗਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟਾਂ ਜਗਣੀਆਂ, ਨਾਲੇ ਕਾਰਕ ਸ਼ੀਟ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਵਾਈਟ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਆਰਡਰ ਤੇ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਛਾ, ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਭਾਈ, ਇਹ
ये जो म्यूजिक सिस्टम है इसमें कितने स्पीकर और कितने सबवूफर है? ये है अपना 9 12 स्पीकर है, 4 वूफर है, 2 ट्यूब। अच्छा जी, तो भाई ये देख लो, ये इस ज्यादा डेक जो तैयार करते हैं सारा हैंडमेड ही होते हैं, सारा रेडीमेड। ये बिल्कुल मतलब अपने यहाँ पे तैयार होते हैं। तो इसका रेट क्या रहेगा जी? ये 65,000 डेढ़ के 65,000 के। तो ये 65,000 रुपए 9 स्पीकर 15 इंची 4 वूफर है, 55,000 का लेदर रूदर लगा के टाइम लगा। देखो अच्छा जी, बोर्ड सारे हैंडमेड ही होते सारे। ये देखो, ये कोई यानी कि रेडीमेड बोर्ड नहीं बनाते, आप ही बनाते। ये देखो बाली, एक दिक्कत हो रहा है, जिवें मान लो अपने सिस्टम विच कोई नंबर नहीं मिटेंदे आईसीएन दे। आम ज्यादा की करते लोग आईसीएन के नंबर मिटे देंगे, ये कोई नंबर नहीं मिटेंदे, असं कोई ये कोई आई नहीं है भी तुम कितों खिला लिया भी यानी कि नंबर मिट जाएंगे पता नहीं लगना गा। जे कोई नहीं पता लगता तुम आप जिथों तुम आए उतो भी ठीक करा सकते हैं। जो हम गांह मिस्त्री काम नहीं आता मेरा कोई कसूर नहीं। अच्छा, तो ये देखो किसान भाइयों, आप मतलब आप लोगों की सेफ्टी के लिए ही ये सब कुछ किया हुआ है। ये जो आईसी के नंबर है ये भाई है ना, बिल्कुल एक भी नंबर नहीं मिटते, ऐसे कैसे रखते है? क्योंकि एक बात हो रहा है, जम जिदा तुम मान लो अपना डेक लाने 2 बुफर आला, 3 बुफर आला, 4 बुफर आला, ना अज ताई असीं कितें ट्रैक्टर का अल्टरनेटर चेंज कराया, ना अज ताई बैटरी चेंज कराई है। अजकल की करते हैं, जिदा ट्रैक्टर के डेक नवा लवा लेंदे, कहंदे जी अल्टरनेटर बड़ा लवा लो जी, ठीक है जी, 10-15,000 का कंपनी का अल्टरनेटर होंदा जी, ठीक है जी, वह कह देंगे जी चेंज कर लो जी, नवा ट्रैक्टर ला के कौन अल्टरनेटर चेंज कर लूगा जी? ये बेवकूफी वाली गल है जी। ਜਦ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ 2 ਬੂਫਰ 3 ਬੂਫਰ 4 ਬੂਫਰ ਤੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਅਲਟਰਨੇਟਰ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾ ਬੈਟਰੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਣ ਮੇਰਾ ਡਿੱਕ ਲਾਓਗੇ ਉਦੋਂ ਤਰੀਕ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਲਾਈਫ ਆ 4 ਸਾਲ ਆ ਜਾਂ 4.5 ਸਾਲ ਆ ਜਾਂ 3 ਸਾਲ ਆ, ਉਨੀ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਲਾਈਫ ਆਊਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿੱਕ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ ਜਾਂ ਆਪਣਾ LED ਲਾਈਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਅਲਟਰਨੇਟਰ ਚੇਂਜ ਕਰਾਓ। ਮੇਰਾ ਡਿੱਕ ਲਾਓ, ਕੋਈ ਬੈਟਰੀ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ, ਕੋਈ ਅਲਟਰਨੇਟਰ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਨੋਟ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਗਾ ਵੀ ਜੇ ਆਪਣਾ ਡਿੱਕ ਲਵਾ ਲਾ ਜੀ ਬੈਟਰੀ ਬਦਲ ਲਓ ਅਲਟਰਨੇਟਰ ਵੱਡਾ ਲਵਾ ਲਓ, ਇਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਜਗਾੜੂਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ, ਤੋ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਬਈ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਓ, ਇਤਨਾ ਅੱਛਾ ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ ਬਣਾਤੇ ਹੈ ਭਾਈ ਜੀ, ਕਿ ਬਈ ਆਪਕੋ ਨਾ ਕੁਛ ਵੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਣਾ, ਜੈਸੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲਿਆ ਵੈਸੇ ਕੇ ਵੈਸੇ ਰੱਖੋ। देखो एक ये है ना, जो नंबर होते हैं इनके, ये नंबर भी नहीं मिटते, ताकि है ना आप इसको कहीं भी ऑल इंडिया कहीं भी रिपेयर करा सकते हो। अच्छा जी, देखो जी, ज्यादा तुम ना थोड़ा जा बदलिया करो ठगी डोरी तो, आ नाम देखा करो, साडे नाम दे ना स्टिकर ला के ਸਟਿੱਕਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਉੱਪਰ ਡਿੱਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਰੈਡੀਮੇਡ, ਰੈਡੀਮੇਡ ਇੱਕ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 15-20 ਘਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਡਿੱਕ ਬਣਾ ਬਣਾ ਰੈਡੀਮੇਡ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਕਸਟਮਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਡਿੱਕ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹਾਂ 10 ਡਿੱਕ ਲੈਣੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਟਿੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਜੀ ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਤੋਂ ਬਚੋ ਜਿੰਨਾ ਬਚਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਲੋਕੀ ਦੇਖਦੇ ਨੀਗੇ, ਸਟਿੱਕਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸਟਿੱਕਰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਡਿੱਕ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸਾਡਾ ਵਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚੋ, ਨੰਬਰ ਪੜੋ ਸਾਡਾ, ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਂਡਮੇਡ ਡਿੱਕ ਨਾਲੋਂ ਰੈਡੀਮੇਡ ਡਿੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਚੋ ਜਿੰਨਾ ਬਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, 2 ਬੂਫਰ ਵਾਲਾ ਡਿੱਕ ਉਹੀ 3 ਬੂਫਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਉਹੀ 4 ਬੂਫਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਹ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਲਾਈਵ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਖਰਾਬ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਹੁਣ ਉਹ ਡਿੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ 25,000 ਦਾ ਡਿੱਕ ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਵੀ ਉਹ 15,000 ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਮੋਗਿਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਆ ਵੀਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਟਿਊਟਰ ਲਾ ਲਓ, ਸਪੀਕਰ ਲਾ ਲਓ, ਬੂਫਰ ਲਾ ਲਓ, ਪਲੇਟ ਲਾ ਲਓ, ਸਾਰੀਆਂ ਆਪ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਹੈਂਡਮੇਡ ਦਾ ਕੰਮ ਦਾ ਤੇ ਆਪਦੀ ਸੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਟਿਊਟਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਟਿਊਟਰ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਟਿਊਟਰ 150 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਪੀਕਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੈਂਡਮੇਡ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਸਪੀਕਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪੈ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਕਾ ਕੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਚਲਾ ਲਓ, ਸਪੀਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਗਿੱਲੇ ਨਾ ਚਲਾਓ ਜੇ ਪੈਂਦਾ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਆਪਾਂ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚੋ ਜੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਸਟਮਰ ਕੋਈ ਸਟਿੱਕਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਟਿੱਕਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਟਿੱਕਰ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਅਗਲਾ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਵਾ ਲੈਂਦਾ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਆਪਦਾ ਨਾਮ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ, ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਨਾਮ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਇਕੱਲਾ ਸਟਿੱਕਰ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਲਓ। ठीक है, तो आप एक बात बताओ जी, जैसे आपने बता दिया कि ऐसे बच्चों, तो आप एक बार ये है ना, जिसको कुकी भाई से लेना है प्रोडक्ट है, तो आप उसके ना एक पहचान बताओ कि भाई स्पीकर लोगे तो ये पहचान है, अगर एम्प लोगे तो ये पहचान है, क्योंकि देखो उनको बचाना हमारा काम है, ठीक है। तो वो एक पहचान बताओ अपने प्रोडक्ट की, भाई ये अपने प्रोडक्ट की सबसे मेन पहचान रहती है। ਲੁੱਕ ਲੋਕ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼।
मतलब जो भी अपना प्रोडक्ट है वो अपनी शॉप पे मिलेगा और यही मिलेगा तो मतलब सबसे मेन चीज बस ये की यही आ जाती है अगर जिस भाई को लेना है तो वो कुकी इलेक्ट्रॉनिक्स पे यही आके ले इसके अलावा कहीं पे भी नहीं है। ਬੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਸਟਮਰ ਦਾ ਡੈਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਆਹ ਡੈਕ ਮੇਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਮੋਗੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਜਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਜਾਂ ਬਰਨਾਲੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਵੀ ਆਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਵਾਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਾ ਡੈਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਡੈਕ ਲਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਆਪਦਾ ਸਾਡਾ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਦੋ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਡੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਾ ਡੈਕ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਤੋ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਓ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਾਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ये भाई अपना है ना एक्सचेंज चाहे 10 साल पुराना हो लेकिन इनका प्रोडक्ट होगा तो ये है ना 10 साल बाद भी उसको एक्सचेंज करेंगे, कभी भी चेंज कराओ। लेकिन ये दूसरे का प्रोडक्ट लेके कभी दूसरा अपना प्रोडक्ट नहीं देंगे, तो मेन बात ये है कुकी भाई की। तो एक और बात बताओ, जैसे भाई अब ये होगी अपनी इसकी मैम की, तो ऐसी कोई पहचान अपनी स्पीकर की भी होगी? जो हमारा प्रोडक्ट है ना, हाँ दोनों एक साथ ही मिलेगा। हाँ। अकेला अकेली लुक ना रहे हैं, आप कहीं भी जाओगे पहले तो यार वजन से ही पता लगता है। हाँ। ठीक है, पेटी भरी उठाओगे ना। हाँ। मारी उठाओगे, मान लो उसका 10 किलो का है, हमारा 50 किलो। हाँ। ठीक है, पहली बात तो अकेला प्रोडक्ट मिलेगा ही नहीं, हम देते ही नहीं किसी। हाँ। अगर आप बोलोगे हमें एम्प चाहिए, वो देते नहीं है। तो अपने पास ये नहीं है कि भाई किसी ने दो पीस अपने स्पीकर मंगा लिया आपसे, आप नहीं दोगे, आप सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोडक्ट दोगे कंप्लीट ऐसी सीरीज बना के, जो भी लगेगा स्पीकर लगे एम्प लगे या कुछ भी लगे। अगर हमारा एम्प आप चार अगर कोई बोल रहा है या दे दो अकेला, अगर इस पे सोनी पे सोनी के पॉइंटर के टिक करके कोई बोफर लगाओगे 10 मिनट में हटा देगा ये आप वाला 10 मिनट में घेटा खत्म कर देगा जी स्पीकर का, चाहे वो सोनी का क्यों ना हो, अगर आप कोई भी आपको कोई बूफर देता है, हमारा जो बूफर है मैं आपको बूफर भी दिखाऊंगा, ठीक है आपको वहाँ पे दिखाता हूँ बूफर की भी क्वालिटी दिखाऊंगा। ठीक है, जो हम बूफर बनाते हैं लोग क्या कहते हैं, हमारा जो 12 इंची बूफर है उसको लोग 15 इंची बोलते हैं। अच्छा जी, हम 16 इंची क्यों बोलते हैं, हमारा 16 इंची अपना बनाया हुआ है, हमारा 7-8 लाख रुपए लगा कर हमारा प्रोडक्ट ही ऐसा बनाया हुआ है आपको कहीं पे नहीं मिलेगा। अच्छा जी, हम चैलेंज कर सकते हैं भी हमारा जो बना हुआ सामान है वह बाहर से नहीं मिलेगा। अच्छा जी, ठीक है, हमें हमारी कोशिश भी यही है। ठीक है, जो हम बनाए बाहर से नहीं, ठीक है जी, ना मिले ना बनने देंगे इतनी के लोगों को पता क्या है, लोगों को पैसे का शौक है, हमें नाम का। हाँ। हम यार पैसे का नहीं, हमें नाम का शौक है यार, नाम बनाना है अभी ऐसा लगता है अभी यार नाम कम है यार, अभी बहुत बनाना है। हाँ। ब्रांड बनाया हुआ है हमने, हम बोल रहे हैं हम ब्रांड बोलते हैं। हाँ। हमने ब्रांड बनाया। हाँ। उसके दम पे बनाया ना। हाँ। ऐसे इससे बढ़िया बनाया। अच्छा, जो प्रोडक्ट बनाए जो आप देखोगे ना, पहले तो ये डेक उठा लो इतने का, 700-800 ग्राम का डेक होगा, 2.25 लाख वाट उस पर लिखा होगा, 2.25 लाख वाट। किसी भी दुकानदार से फोन लगा कर पूछो भाई वाट का मतलब क्या है, किसी को वाट का मतलब बता दे मैं डेक खरीद लूंगा। अच्छा, ऊपर लिखा होता है ना 700-800 ग्राम का डेक होता है। हाँ। 2.25 लाख वाट, 2.25 लाख वाट। हाँ। ठीक है ना, ये तो फेक हो गया ना, लिखने के तो मैं आप भी लिख दो, जो मर्जी लिख दो, मुझे लिखने में क्या हो, कुछ नहीं होता ना। यहाँ पे लिखते हैं 2.25 लाख वाट। हाँ। कुछ ऐसा मैंने मेरे पास एक डेक पड़ा है, यहाँ पे मैं एक डेक पड़ा है 2.25 लाख वाट लिखा हुआ है। अच्छा जी, ठीक है जी, जो आपका कोई भाई होगा, कोई डीजे वाला होगा ना। हाँ। कोई होगा आपका। हाँ। हाँ। उसका डीजे वाला एम्प होता है, दो जाने उठाकर उठाते हैं ना उसे। हाँ, हाँ, दो जाने उठाते हैं। हाँ। वो एम्प कम से कम 4500-4000 वाट का होता है। अच्छा जी, ठीक है, मैंने कल गुरुद्वारा में लगाया कि सिस्टम। हाँ। मैंने उस पर 8-15 इंची लगाया। हाँ। 4 उस पर 10 इंची लगाया। हाँ। 6 जूनिट लगाई, 7 मैक लगाई। अच्छा जी, अभी भी उसकी कैपेसिटी और है 500 वाट का एम्प। अच्छा जी, ठीक है जी। हाँ। अगर हुन 2.25 लाख का 700 ग्राम का डेक होगा, 2.25 लाख वाट यार, ये तो चुतिया बनाने वाला होगा ना काम। हाँ। हम ये काम नहीं करते। नहीं नहीं, बिल्कुल, हम कस्टमर बोलते भाई कितनी वाट के है। हाँ। नहीं, बात नहीं, हम किले के हिसाब से बताएंगे, 5-7 किले से पता चलेगा यार हमारा कुछ आ रहा है। हाँ। ठीक है जी,
हम अगर बोल रहे भैया 2 लाख बांट गया वो बोलते हैं हाँ जैसे लोग बना रहे हैं लोग बन रहे हैं हाँ। हम नहीं बाढ़ बूढ़ते हैं ही लिखते हैं ऐसे ही होता है यहाँ मतलब यहाँ पे लिखना ही कोई वार्ड मैंने कहा था यहाँ पे लिखेगा 2.25 लाख बांटने लिखने का क्या है काम करने की है इतना एम्पलीफायर होता है बड़ा सारा 4 बड़ियां सोना चलाउंदा वा एम्पलीफायर सारा 450 वाट दंदा वा अच्छा तो किसान भाइयों ये बातें ध्यान रखो तो ऐसे है ना ऐसे मतलब किसी भी दुकानदार की बातों में मत आओ फेक को समझो रियल के पास पहुंचो तो ये तो भाई हम आपको पूरी वीडियो बना रहे हैं ना हां जी मेरे पास डेली आते हैं वीडियो बनाने के लिए ये बना दो जो हाँ। मैं क्यों नहीं बना रहा मुझे पता है वो आगे भी किसी दुकान के पास जाएंगे उसके ऊपर लेके बहुत बढ़िया है यार हे हर इनको बहुत बढ़िया है यार हाँ। ऐसे मजा नहीं हां बोलो ना यार 2.25 लाख बाट यार 2.25 लाख बाट आपको बता दिया मैं बोलूंगा यार 2.25 लाख बाट है आपने कहना अच्छा है नहीं नहीं वो यार पता ही नहीं है यार इस चीज का अपन कस्टमर को यार अपन गलत गाइड नहीं करते ठीक है आप ही देख रहे हो हमारे पास बुकिंग पड़ा है अभी 10 मिनट पहले किसी ने मुझे इंग्लैंड से बुक कराया सिस्टम उन्होंने इंग्लैंड से आकर देखा थोड़ी ना हाँ। मुझे एक बार बोल दिया भैया बना दो हाँ। मुझे ऐसा बना दो अभी देखो ये इंग्लैंड से बुक हुआ ठीक है जी यस इनको मैं गलत प्रोडक्ट दूंगा हाँ। तो मेरा काम कहाँ पे जाएगा हाँ। जीरो होगा जीरो हो जाएगा ना 10 लेंगे 15 लेंगे बाकी जब आ गया जो 25,000 का डेक का तो एक बार ये आवाज और सुना दो जी अपने म्यूजिक सिस्टम बता दो जी इसमें कितने स्पीकर और कितने सबवूफर है इसमें स्पीकर है 30 है ना 32 स्पीकर और एक साथ में बॉक्स लगेगा अच्छा अच्छा ऊपर ठीक है एक बॉक्स और लगेगा 40% है अच्छा अच्छा ये इसमें सबवूफर कितने है जी 6 सबवूफर है और 32 स्पीकर है और अभी ये है ना भाई इसके ऊपर 70 और लगेगी अच्छा तो ये लेजर कटिंग में बनी हुई है भाई ये इसका रेट क्या रहता जी ये इसमें 1.25 लाख रुपए का ये देख लो भाई ये म्यूजिक सिस्टम है भाई के पास इसमें कितने स्पीकर हैं ये देखो 1949 नंबर है यूके से अच्छा जी किसी के पास इतनी बुकिंग कुछ नहीं होती बस इतना हमारे पास थोड़ा टाइम लगता है हाँ। प्रोडक्ट ऐसा बना के देंगे किसी से नहीं हाँ। बस टाइम हमें टाइम अच्छा जी हमें पैसे के लिए बोलते हैं पैसे पहले कितने चाहिए ये हमें पैसा नहीं चाहिए टाइम चाहिए टाइम चाहिए नाम चाहिए हमें टाइम की प्रॉब्लम है थोड़ी देर देखो अभी पटियाला से ठीक है जी मेलकोटला बरनाला ये भी यूके से ठीक है जी ये भी यूके से ये हरियाणा चीका चीका जी मुक्तसर साहिब बटाला हरियाणा फिरोजपुर हरियाणा मंगल यूपी मेरठ हाँ यूपी यूपी ये हमारे अपने जिले कनाडा हाँ लुधियाना मोहाली संगरूर बठिंडा तो टोरंटो तो ये तो किसान भाइयों देख लो पूरे ऑल इंडिया और इंडिया से बाहर भी ये पूरी सप्लाई देते हैं ऑल वर्ल्ड तो ये ऑल वर्ल्ड सप्लाई रहती है तो इसके बाद इस म्यूजिक सिस्टम की आवाज तो ये सुनो तो ऐसी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ऐसी रोमांचक वीडियो के देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें तब तक के लिए जय जवान जय किसान।